हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं नवनीत सर, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th क्लास का फिजिक्स। ठीक है, एरर में हम लोग एक लेक्चर कर चुके थे और ये जो एरर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होगा। ठीक है, एरर पे मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। एरर में यही कंटेंट आप पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो, बहुत पैसे देते हो, ठीक है ना? तो मैं आपको ये पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एरर में। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर देख लेना। एरर क्या चीज़ होती है, हमें पता है कि कोई भी मेजरमेंट है वो 100% प्रिसाइज नहीं होता है, वो 100% एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल सकती, देयर इज ऑलवेज एरर। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर का कॉम्बिनेशन या समेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो समेशन ऑफ एरर क्या चीज़ होती है, तो समेशन ऑफ एरर क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप पहले आप समेशन को समझो। मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर मैं लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या मैं फोर्स इज इक्वल टू लिखता हूँ एम ए। ठीक है ना, अब मैं एस इज इक्वल टू यू टी लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया, इसमें इंडिविजुअल एरर नहीं है। अब जो वॉल्यूम एरर है, जो वॉल्यूम एरर है वो रेडियस, ये वाला जो फैक्टर है, इन सब पे डिपेंड करेगा, साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोडक्ट है, तो इसमें इसमें जो एरर आएगा वो मास एक्सलेशन और साथ साथ इसमें मैथमेटिकल रिलेशन क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा समेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब अगर मैं एरर कॉम्बाइंड करूं तो ये वाली क्वांटिटी कैसे इफेक्ट होगी, इन सब में एरर होगा तो ये कैसे इफेक्ट होगी इन सभी से, उस चीज़ का हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो इस चीज़ का अगर स्टडी हम लोग करें तो सबसे पहले है समेशन ऑफ एरर। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स नाम की कोई क्वांटिटी है, इसको डिराइव भी करेंगे हम, एक्स नाम की कोई क्वांटिटी है जिसमें ए प्लस बी है, एक्स ए बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मेजरमेंट में एरर आएगा। ठीक है, एरर तो उसी में आएगा ना भाई, जिसका मेजरमेंट होगा, जिसकी वैल्यू वेरिएबल होगी, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, उसमें तो कभी कोई एरर आ ही नहीं सकता। पाई में कितना एरर आएगा, कभी जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नंबर होते हैं, प्योर नंबर होते हैं, उसमें तो एरर आएगा नहीं। तो अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं डेल्टा ए और डेल्टा ए और डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है ना, डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा बी और डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है, किस में, ए बी और एक्स में। ये बात समझ में, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब जो एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के सम के बराबर होगा। ये बात हमें याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये हेल्प होगा। और हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर जो होता है वो डेल्टा एक्स में वो इतनी होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेल्टा बी और परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसमें कितना आएगा, एक्स में परसेंटेज एरर कितना आएगा, तो एक्स में जो परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है, वो डेल्टा एक्स अपन एक्स, और दिस इज द डेल्टा एक्स अपन एक्स, यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स अपन एक्स। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपन एक्स, और इसमें ये और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो इस पूरे प्रोसेस को हम डेरिवेशन के हिसाब से समझते हैं कि रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ये सब कैसे निकालेंगे इस चीज़ को। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देना है कि जो डेल्टा एक्स की या डेल्टा ए की वैल्यू है, कभी कभी ये लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मेजरमेंट दे दिया 2.2, ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट दे दिया 2.20, तीसरा मेजरमेंट दे दिया 2.310, तो इन सब में लिस्ट काउंट अलग अलग है। ठीक है, लिस्ट काउंट हुआ मिनिमम, इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 हो जाएगा और इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01। ठीक है ना, इसमें डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर कितना है, लिस्ट काउंट कितना है, 0.001। तो इससे हमें पता चलता है
कि लिस्ट काउंट जो है डेल्टा एक्स जो है ये लिस्ट, जैसे ये वैल्यू दी हुई है तो इसमें जो लिस्ट काउंट है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिनिमम एरर, ठीक है भाई एक्स है तो एक्स एक ऐसे डिवाइस से मेजरमेंट किया गया जिस जो डेसिमल के एक डिजिट तक मेजरमेंट करता है, तो इसकी जो लिस्ट काउंट है मिनिमम मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट 0.1 तक एरर कर सकता है, मिनिमम इतना मेजर कर सकता है डेसिमल के बाद, तो वही उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है ना। चलो तो इतनी सी बात अगर समझ में आ गया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेरी, इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार, जिसे आपको ये ना लगे कि सर ने ऐसे उड़ा दिया, ठीक है। तो चलो इसको डिराइव कर लेते हैं। अब मान लेते हैं लेट, ठीक है, कि एक्स जो है वो ए प्लस बी कोई एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फिजिक्स का जो इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है। अब मुझे एक्स में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एक्स में फ्रैक्शनल एरर चाहिए और एक्स में रिलेटिव परसेंटेज एरर चाहिए। तो जब मैं इनका मेजरमेंट करूंगा, तो मान लो एक्स में डेल्टा एक्स एरर आया, ठीक है, और इसमें डेल्टा ए एरर आया एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा बी इतना आया, ये सारे एब्सोल्यूट एरर हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर आफ्टर मेजरमेंट आया तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इसमें एक्स में एरर आया होगा, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, और प्लस साइन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना, ये डेल्टा ए आएगा ना, ये डेल्टा ए, तो दिस वन द डेल्टा ए, तो डेल्टा ए, ठीक है, ये तो ये एक्चुअली क्या है, देखो एक ये मेजर्ड ए को मेजर किया गया, ए को मेजर किया गया तो ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ए में थोड़ा सा एरर आया तो मैं उसको ऐसे मेजर करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो उसी लॉजिक से बी में बी को मेजरमेंट किया गया तो बी में बी तो आएगा प्लस माइनस, थोड़ा सा उसमें एरर भी आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, और दैट इज द एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। उसी लॉजिक से थोड़ा बहुत एरर भी आया होगा। अब एक्स की वैल्यू ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी एक्स के बराबर है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी और एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एक्स ने एक्स को एक्चुअली ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू बची वो बची प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ से देखो चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है, देर आर फोर पॉसिबिलिटी, समझो इसको, ठीक है, यहाँ से चार पॉसिबिलिटी है, यहाँ से जो ये है डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी हो सकता है, ठीक है ना, और प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, और ये माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी हो सकता है, और माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी हो सकता है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स की देर आर फोर पॉसिबिलिटी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ये इसमें से कौन सा एरर हमें चाहिए, हम लोग को चाहिए मैक्सिमम परमिसेबल एरर, हम लोग को मैक्सिमम एरर चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर के केस में ये वाली जो चीज़ है इसमें मैक्सिमम एरर आएगी, क्योंकि एरर जो होती है हमेशा एडिटिव नेचर होती है, एडिशन नेचर रखती है, ठीक है। एक गलती करोगे आप और फिर आज एक गलती किए, कर दूसरी गलती किए, परसों तीसरी गलती किए, तो एक गलती दूसरे गलती को ना तो सब्सट्रैक्ट करेगी ना को खत्म करेगी, मतलब कुल मिला के एडिशन वाला नेचर रखती है, तो एरर हमेशा एडिटिव नेचर होता है। तो मैक्सिमम एरर जो एक्स में आएगा वो मैं लिखूंगा कि प्लस डेल्टा एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो कि पहले हम कर चुके थे। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स, ठीक है। अब ये कौन सा एरर है, तो ये कौन सा एरर है भैया, तो ये जो एरर है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर है, तो समझना, अब इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर ये एब्सोल्यूट एरर है तब यहाँ पर मुझे
देखो x इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी, तो मैं लिखूंगा अब्सोल्यूट एरर, अब्सोल्यूट एरर, ठीक है, अब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम, अब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम इन x। तो अब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम इन डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, समेशन ऑफ द लीनियर समेशन ऑफ द अब्सोल्यूट एरर इन, ठीक है, इस टाइप से कोई इक्वेशन दिया हुआ तो मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर जो है वो प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी के बराबर होगा। चलो अब रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर इन एक्स, एक्स में रिलेटिव एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और अपान x, तो x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b और डिवाइडेड बाय a प्लस b। दिस इज द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन x, ठीक है। तीसरे टाइप का एरर था परसेंटेज एरर इन x, तो x में परसेंटेज एरर कितना आएगा, तो डेल्टा x अपान x और मल्टीप्लाइड कर दूं मैं 100 से, तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। तो हमेशा याद रखो कि अगर इस फॉर्म में एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्मेट में कोई फिजिक्स का इक्वेशन है तो आप उसमें अब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकाल सकते हो और लिस्ट काउंट वाला वैल्यू याद रखना कि अगर मेजरमेंट जो पहले हम समझाए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एरर इन डिफरेंस। बहुत सिमिलर है पहले वाले जैसा, बिल्कुल जैसा पहले था वैसे अभी भी है, ठीक है। तो भाई एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस वाला में भी एरर है, तो x इज इक्वल टू सिमिलर है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम चलता है। जैसे x दिया हुआ है तो मैक्सिमम पॉसिबल अब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b, a डेल्टा b के बराबर होगा। उसी तरह से परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, x में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो x में जो परसेंटेज एरर आएगा वो यहाँ पे परसेंटेज एरर x डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज एरर इन x इस टाइप से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार, एक लाइन में इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, करो इसको अपने मन से ट्राई करो, देखो। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली अब चलो अगर दूसरा है, अगर x की वैल्यू a माइनस बी है, चलो हमने मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिया, हमने a में मेजरमेंट किया कितना एरर आया प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, फिर माइनस हमने b में मेजरमेंट किया कितना आया b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। उसी लॉजिक से x में भी तो कुछ एरर आया होगा प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो अगर इसमें जो एरर आया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी x के बराबर है प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो x ने x को ये ख़त्म कर दिया, तो अब्सोल्यूट एरर, ठीक है, अब्सोल्यूट एरर जो डेल्टा x आया वो आया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो पहले वाले के बराबर ही आया ऐसे, क्लियर है ना, आसान है पहले वाले। यहाँ 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम एरर, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, मैक्सिमम एरर है, ठीक है ना, समझना इसको, मैक्सिमम एरर इन एक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम एरर इन एक्स है। और कौन सा एरर है, ये कौन सा एरर है, अब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, अब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो अब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब ये अगर अब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, अब इसी चीज़ को इसमें रिलेटिव एरर लिखोगे तो क्या आएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव
एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आएगा भैया, रिलेटिव एरर कितना आएगा बोलो, डेल्टा एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर इन एक्स लिख सकते हो ना इसको, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तरीका है ऐसे प्लस और माइनस को, याद रखना कि प्लस और माइनस में लीनियर सम होता है। इस तरह से रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर नोट कर लो इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लो, ठीक है ना। चलो, तो अल्टीमेटली मैं बात करता हूँ, समेशन हो गया, डिफरेंस हो गया, अब आते हैं प्रोडक्ट पे बात करते हैं, ठीक है ना, एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो कभी कभी क्या होगा, जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो प्रोडक्ट के केस में क्या करोगे, तो प्रोडक्ट के केस में क्या निकालोगे, कुछ ऐसे निकालोगे, अगर एक्स इज इक्वल टू है, एक्स इज इक्वल टू है ए बी के बराबर है, समझना, एक्स इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट इसमें नहीं निकलता, इसमें डायरेक्ट जब डिराइव करोगे तो रिलेटिव एरर आएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तो इसमें जो रिलेटिव एरर आएगा डायरेक्ट रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो आएगा वो आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए, ठीक है ना, और प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये जो एरर निकाल रहे हैं मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब रिलेटिव एरर इतना आ गया, ठीक है, अगर इतना दिया हुआ है तो रिलेटिव एरर इतना आ गया, अगर इतना आ गया तो उसमें परसेंटेज एरर, ऐसे लीनियर इसका सम है। चलो इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं, नोट कर लेना इसको, ठीक है, तो इसको डिराइव कर लो, आसान है। चलो थर्ड है, तो थर्ड वाली जो चीज़ है, थर्ड वो है एक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो अब मैंने कोई मेजरमेंट किया, लेट एनी मेजरमेंट, तो एक्स में जो एरर आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए आया, ठीक है, प्लस बी में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर आ गया, ठीक है, उसी तरह से x प्लस माइनस डेल्टा x का एरर आ गया, ये तो बात 100% समझ में आई होगी। चलो तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b, ठीक है ना, और प्लस माइनस b डेल्टा a, ठीक है, और ये जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी, ठीक है ना, तो यह जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, आया समझ में। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं, ठीक है, हाँ, अब अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले इसको एक बार एक्स, ये एक्स के बराबर है, ए एक्स के बराबर, ए प्लस बी एक्स के बराबर है, तो एक्स के बराबर है तो ये इसको ख़त्म हो गया, तो इधर बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स, समझ रहे हो ना, ए वन प्लस वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बचा, तो वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इधर बचा वन प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब इस टर्म को मैं क्या करने वाला हूँ, इस टर्म को मैं नेगलेक्ट करने वाला हूँ, नेगलेक्ट, मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ। क्यों भैया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी इससे, क्यों आप इसको इग्नोर कर दे रहे हो बेचारे को, ठीक है, इससे दिक्कत क्या थी। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेगलेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे नेगलेक्ट कर रहे हो, क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, कितनी छोटी है भाई, बहुत छोटी है, कितनी छोटी है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन, ठीक है, लेस देन अप टू 10% हो, ठीक है, लेस देन अप टू 10% हो, मतलब 2% हो, 3% हो, ठीक है, 4% हो, इस तरह से हो, तो उस केस में इस वाले जो टर्म है,
इस वाले टर्म छोटी छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे, दो छोटे छोटे छोटू का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा बहुत ही छोटू हो जाएगा, तो उस छोटू वैल्यू को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, वो है तो कंसिडरेबल बट इतना छोटा है कि उसको इग्नोर करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब अच्छे सवाल कुछ करोगे तो उसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो कब नहीं इग्नोर कर सकते, नेवर नेगलेक्ट, नेवर नेगलेक्ट। ठीक है, नेवर नेगलेक्ट। तो ये जो चीज़ है, नेवर नेगलेक्ट इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 10% या 10 से अधिक या 10% से 10 से अधिक है, परसेंटेज में देखोगे 10% से अधिक है तो उस हिसाब से 10 से अधिक है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ आप इग्नोर करोगे तो सवाल गलत करोगे, ठीक है ना। और अगर 2-3% से कम है या मतलब परसेंटेज में देखो 2-3 से 2-3 है 4 है 5 है तो इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, छोटी चीज़ें इग्नोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब वन ने वन को ख़त्म कर दिया तो इधर बचा डेल्टा एक्स और इधर बचा प्लस माइनस, फिर वो चार वैल्यू पॉसिबल है तो उन चारों में से मैं किसको लूँगा भैया, उन चारों में से मैं जो मैक्सिमम वाला उसको लूँगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, अब ये थोड़ा देखने से अजीब सा लग रहा है, गंदा सा टाइप लग रहा है। ये है तो देखो, ये मतलब ये एक डायरेक्ट, अब डेल्टा एक्स क्या है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर है किस में, एक्स में। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसको यही लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट एरर तो आ ही जाएगा इसमें, बट मैं इसको सुंदर तरीके से और लिखूँ रिलेटिव एरर, तो उसको मैं दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर दूँ, दोनों साइड अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूँ तो यार अच्छा लगने लगेगा ना। चलो, तो दोनों साइड अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो दोनों साइड अगर मैं x से डिवाइड करने के बाद मुझे मिला डेल्टा x बाई x, ठीक है, और इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, x की वैल्यू डाल दिया ए बी, देखना x की वैल्यू डाल दिया ए बी ना, तो a और b आ रहा समझ में, प्लस डेल्टा a बाई a। ठीक है ना, x की वैल्यू डाल दिया ए बी, पुट द एक्स की वैल्यू ए भी, उसके बाद डिवाइड कर दोगे तो ए से ए खत्म हो गया, बी बच गया, तो ये डायरेक्ट रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आ गया कि डायरेक्ट रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। चलो एक बार इसको समराइज कर देते हैं तुम्हें समझने के लिए। चलो ठीक है, देखो एक बार देखो, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी है तो रिलेटिव एरर इन x डेल्टा x अपान x, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। दिस इज द रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर इन x, तो x में परसेंटेज एरर कितना है, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b बाई b और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आपको रिलेटिव एरर पता चल गया तो परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, अगर परसेंटेज एरर पता चल गया तो एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर इन x। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन x डेल्टा x इज इक्वल टू, यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ना, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई x था ना, मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो क्या निकला बच्चों, अगर x नाम का कोई x इज इक्वल टू ए बी कोई फार्मूला है तो x में रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बराबर है, बात समझ में आ गई। चलो नोट कर लेना इसको, हमारे पास इतना टाइम, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन भी प्रोडक्ट की तरह होता है। अगर ठीक है, अगर कोई देखो x इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट एरर इन ए बी और x में हो
तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर अगर ये इतना है तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इतना होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो परसेंटेज एरर, सिंपल सी बात है, परसेंटेज एरर इज अ लीनियर समेशन ऑफ, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज एरर इन ए, तो परसेंटेज एरर इन ए परसेंटेज एरर इन बी गिव द परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है, या दोनों 100 साइड से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस चीज को डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक है ना, इस चीज को डिराइव भी कर लेते हैं कि अगर, ठीक है, ये तो डिवीजन में जो होता है, थर्ड कितना नंबर है भैया, तो ये है थर्ड, फोर्थ नंबर है, ठीक है, तो फोर्थ नंबर है, तो x इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो x इज इक्वल टू ए बाई बी है, चलो तो x इज इक्वल टू ए बाई बी है। अब डिवीजन में x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x, उसी तरह से a प्लस माइनस डेल्टा a और इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अरे समझ रहे हो ना इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ऐसे मैं डेल्टा 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 चिल्ला रहा हूँ। ए को मेजरमेंट किए तो ए तो आएगा, उसमें थोड़ा सा एरर आया उसको लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ए कॉमन लेते हैं तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, और नीचे से इधर बी कॉमन लेते हैं तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। अल्टीमेटली इधर मुझे मिलेगा, ठीक है, अल्टीमेटली मुझे मिलेगा, इधर समझना इसको, अल्टीमेटली मुझे मिलेगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना भैया, इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी, a बाई बी और a बाई बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, समझना इसको, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ठीक है ना, डेल्टा b बाई बी और ये x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है, तो x की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो ये वाला इसे खत्म हो गया, हो जाएगा, नहीं 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 ये खत्म नहीं होगा, इसको फिर से रीराइट करते हैं, x इज इक्वल टू इधर बनेगा x, इधर बचेगा x, चलो इसको लिखते हैं, इधर बचेगा x और इधर बचा 1 प्लस, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, ये काटना नहीं, ठीक है, ये गलत है, तो ये 1 प्लस वन वन प्लस डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए और ये जो नीचे था डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर ले गए, ठीक है, तो उसको ऊपर ले गए तो ये बचेगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और पावर की पावर माइनस वन, ठीक है भाई, उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा ऊपर जाएगा माइनस वन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, यहाँ लगाएंगे हम बाइनोमियल थ्योरम, लगाएंगे एलजेब्रा, इफ़ कंडीशन होता है इफ़ वन प्लस एक्स की पावर एन हो, ठीक है, तो इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी, एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, तो मैं लिख सकता हूँ वन वन प्लस एन एक्स, ठीक है, वन प्लस एन एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, तो वन प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ कि इस बेसिस पे, ठीक है, इस बेसिस पे मैं, समझ रहे ना, इस बेसिस पे इतना मैं लिख सकता हूँ ना भाई, तो इसका यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा इधर x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x और इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा 1 और 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, डेल्टा a बाई ए और ये आप नोट कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये बाइनोमियल वाला, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये तो डेल्टा ए, अब ये जो मिलेगा, ठीक है, और ये बी था, तो अल्टीमेटली ये, और ये जब अंदर आएगा, ये अंदर आएगा तो वन माइनस प्लस, समझना इसको, प्लस था ना, माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना, समझना। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से वन से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है, एक्चुअली एक काम करो, x से x को इधर लाके डिवाइड कर दो, x को इधर लाके डिवाइड कर दो, बार बार इसको लिखना ना थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, तो x को इधर लाके डिवाइड कर दोगे, x को इधर लाए, ठीक है, x को इधर लाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वन प्लस माइनस डेल्टा x अपान x डायरेक्ट आएगा रिलेटिव एरर, ठीक है ना, डेल्टा x अपान x और वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन
माइनस प्लस वन माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस प्लस जो भी है डेल्टा ए बाई ए, ठीक है ना, और ये डेल्टा बी बाई बी। अगेन वही कंडीशन कि बहुत छोटे लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक ना, बहुत छोटे टर्म को इग्नोर कर देते हैं। ये वाला जो टर्म है वो बहुत छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। कितना छोटा भाई, तीन है, चार है, पाँच है, ठीक है, दस से कम है, 10% से कम है। चलो इसको इग्नोर कर दिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मुझे रिलेटिव एरर आ गया डेल्टा एक्स अपान एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखना, समझना, यहाँ थोड़ा सा एक बात समझना, यहाँ तुम्हें तो डाउट आ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस, तो फिर वही चार वैल्यू जो शुरू में लिखे थे वही चार वैल्यू लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार वैल्यू लिखे गए तो माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, और फिर प्लस माइनस, ठीक है, और एक प्लस प्लस, ठीक है। समझो, एक बार लिखोगे माइनस प्लस और एक बार माइनस माइनस, एक बार लिखोगे प्लस प्लस, एक बार प्लस माइनस। तो जो प्लस वाला है, चार वैल्यू है ना इसमें छुपा हुआ, तो जो प्लस वाला वो मैक्सिमम एरर, तो इसमें जो मैक्सिमम एरर है वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर जो है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर वो आ जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए और प्लस डेल्टा बी अपान बी, और ये दिस इज द प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस, दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन डिवीजन। तो डिवीजन के केस में ऐसे इसको निकालते हैं, ऐसे इसको करते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। चलो इसको रब कर देता हूँ, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी हो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी हो, तो इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर जो आएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। परसेंटेज एरर इसमें आएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आएगा भाई, डेल्टा एक्स अपान एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए, ठीक है, और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये वाली चीज़। अब जब इसमें परसेंटेज एरर इतना आ गया तो अब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, अब्सोल्यूट एरर इन एक्स, तो अब्सोल्यूट एरर इन एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स डायरेक्ट निकाल लो यार, प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई बी, और मल्टीप्लाई कर दो इधर एक्स से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अब्सोल्यूट एरर, तो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, अब्सोल्यूट एरर इन द गिवन एक्सप्रेशन वी कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एरर, कुछ क्वांटिटी जो है एरर इन पावर टू समराइज, ठीक है। जैसे एरर इन पावर, पावर में एरर निकालना हो तो वो भी एक निकाल सकते हो। देखो अगर एरर इन पावर, देखो अगर कोई इस तरह से कोई क्वांटिटी दी हुई है, समझो इसको, अगर ये एरर पावर में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो जो पावर है, जितने टाइम्स पावर होगा उतना टाइम्स एरर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ ना, रिलेटिव एरर उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा भाई, एन की पावर। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ज़्यादा होगा जिसका, उसमें एरर ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू ए की पावर 3 है और b की पावर 2 है और c की पावर 8 है, तो सबसे ज़्यादा एरर किस में आएगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एरर किस में आएगा, मतलब एज कम्पेयर टू डेल्टा ए बी और सी की वैल्यू, सबसे ज़्यादा एरर आने का चांस ही है, ये इसका 8 times एरर आएगा, ठीक है। तो 8 times एरर आएगा, तो ये जो पावर है वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और परसेंटेज एरर, ठीक है। द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी एन पावर एन टाइम्स दैट क्वांटिटी एन हैव एनी वैल्यू मे बी होल नंबर,
ठीक है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव या निगेटिव, जो पावर है चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो और कुछ भी हो सकता है, इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डिराइव करोगे इसको, कर लिया जाए? करूं? चलो कर लेते हैं, पावर वाला भी कर लेते हैं। चलो, इफ x की पावर a की पावर n है, ठीक है, तो मैं उसी तरह से लिखूंगा कि डेल्टा x प्लस माइनस x डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और इसकी पावर n, ठीक है। तो इसकी पावर n है तो ऑब्वियसली जो a है और प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो a अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो a अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, a और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, ठीक है, और n की पावर a a 1, ठीक है। अब a ये वाली जो वैल्यू है इधर ला के डिवाइड कर दोगे तो a की पावर n कॉमन लिया ना, a की पावर n, ठीक है, a की पावर n कॉमन लेने आता है भाई, a यहाँ से निकाले तो पावर था तो n इधर आ गया तो a इधर बच गया, ठीक है। अब a की पावर इधर ला के डिवाइड कर दोगे, ठीक है, a की पावर n x के बराबर है तो 1 प्लस प्लस माइनस यहाँ बाइनोमियल लगा दो n डेल्टा a बाई a, ठीक है ना, यहाँ बाइनोमियल लगा दो तो ये आ जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है, इस x को इधर लाए तो x उड़ गया अपान x, तो 1 ने 1 को ख़त्म कर दिया और ये जो x है वो x को ख़त्म कर दिया, 1 ने 1 को ख़त्म कर दिया, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x वी कैन इजली गेट दैट इज द डेल्टा x अपॉन x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस दैट इज n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x, वी कैन इजली कैलकुलेट परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर बाय मल्टीप्लाइंग दिस, ठीक है। चलो, तो ये इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, चलो अभी तक तो हमने क्या निकाला, समेशन मिरर ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट के लिए, इसको समराइज कर लेना। आप कुछ अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात तो अभी तक भी कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो एल्जेब्रिक मेथड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो इस एल्जेब्रिक मेथड को हमें कैलकुलस मेथड एरर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करवाऊँ आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी है, तो अगर मैं इसमें डेल्टा वाई अपन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन एक्स, ठीक है, प्लस डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपन बी लिखोगे तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, रिलेटिव एरर लिखोगे ये रॉन्ग है, दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला कैलकुलस मेथड और दूसरा जो हम पहले सीख के आए हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उससे भी कर दोनों से करते हैं, पहले फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू एक्स और a प्लस बी है, ठीक है, तो रिलेटिव एरर इन y, ठीक है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएट मतलब इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएट को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वाई, अब इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, तो लॉग दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी, क्लियर है, तो लॉग एक्स, अब इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है, लॉग जो लॉग ए, समझ रहे हो ना, लॉग ए अपॉन बी, क्लियर है ना भाई, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए
माइनस लॉग बी के बराबर होता है। चलो तो लॉग ए, अब इसको लॉग वाई, ठीक है, इसको लॉग वाई, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये वाला इस पर पार्शियल डिफरें, तो डेल वाई अपन वाई, ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपन वाई लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वन अपन एक्स, ठीक है, डी वाई अपन डी एक्स लॉग का, ठीक है, डी वाई डीवन लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपन एक्स नेचुरल लॉग, ठीक है, तो उसी तरह से वन अपन एक्स, लेकिन ये उसी वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो डेल वाई भी आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल एक्स अपन एक्स, क्लियर है, और माइनस साइन यहाँ से, और यहाँ से आएगा डेल ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लॉग का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये जो चीज़ आ रहा है, समझना, ये जो चीज़ आ रहा है वो डेल हमें मैक्सिमम, ये मैथमेटिकल एरर है, ठीक है, हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, ठीक है, तो मैक्सिमम एरर के केस में इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, तो अल्टीमेटली ये जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएट होके आया, अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएट होके यहाँ तक आया तो चलो, अब मैक्सिमम एरर इन वाई, तो वाई में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो डेल्टा वाई अपन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन एक्स प्लस, यहाँ माइनस था ना, तो मैक्सिमम एरर के केस में हम इसको प्लस कर देंगे, और डेल्टा ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, एक्चुअली तो डेल्टा वाई अपन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन एक्स प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपन ए प्लस बी, ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलस मेथड से, ठीक है, अब जो है डेल वाई अपन वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऐसे, ठीक है, तो डेल वाई अपन लगभग डेल्टा वाई के बराबर होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में ये जो एरर आया है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एरर, ये जो एरर है ये कौन सा एरर है, दैट इज द मैथमेटिकल एरर, ठीक है, मैथमेटिकल एरर, ठीक है, ये मैथमेटिकल एरर है, और ये जो एरर लिखा गया है ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन वाई, ठीक है, तो ये मैक्सिमम एरर है और ये मैथमेटिकल एरर है, तो इस तरह से आप लगाओगे, ठीक है, आया समझ में, अब इसको जो पहला वाला अपना लॉजिक लगाए थे उससे भी कर सकते हो, चलो उससे करके दिखाते हैं आपको, नोट कर लेना, ठीक है, y इज इक्वल टू x ए बाई बी है, समझ रहे ना, तो ए बाई बी को कुछ ए प्लस बी को कुछ लिख दो, ए प्लस बी को मैंने लिख दिया मान लो सी, तो ए प्लस बी को मैं लिख दिया सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपान सी ना, तो रिलेटिव एरर इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, डेल्टा वाई अपन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन एक्स प्लस डेल्टा सी अपन सी, ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपन एक्स और प्लस डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी, सी की वैल्यू डाल दो, तो डेल्टा ए बाई प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू ए प्लस बी, ठीक है, तो डेल्टा सी, अगर डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना, आया समझ में, तो इससे जो पहला वाला लॉजिक था उससे भी निकाल सकते हो, आया समझ में, तो इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है, एक और करवाता हूँ इससे, जैसे आपको थोड़ा सा और चमक जाए ना, और ज़्यादा फील आ जाए, कभी कभी ऐसे दिया रहता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर y इज इक्वल टू, एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू है, दो रेजिस्टेंस का सम है, इसी से समझ लेते हैं, तो दो रेजिस्टेंस का सम है, तो अब
रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर आर निकालो। तो मैं आर को लिख सकता हूँ ना भाई, आर को मैं लिख सकता हूँ कितना, आर वन आर टू, और ये आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब वही वाला अपना लॉजिक लगाओ जो पहले वाला लॉजिक लगाए थे। तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर जो है, डायरेक्ट रिलेटिव एरर आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर इन आर, रिलेटिव एरर इन आर आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर इन आ जाएगा डेल्टा आर अपन आर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपन आर टू। समझ रहे ना, जो प्रोडक्ट में होता है वो धीरे से सम में आ जाता है, और प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, नीचे वाला जो था भाई नीचे आर वन पर, और डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू का सम। ठीक है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हो, ये जो पहला वाला लॉजिक। और आर वन प्लस आर टू क्या है, आर वन प्लस आर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो डेल्टा आर अपन आर, डेल्टा आर अपन आर, डेल्टा आर वन अपन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपन आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, आर एस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो।